हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हैं टेक एस पी आर। गाइज, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एम एक्स प्लेयर और नेटफ्लिक्स जैसा ऐप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसका लुक कुछ एम एक्स प्लेयर जैसा रखा है, क्योंकि इस ऐप को बनाने के लिए हमारी टीम ने इंस्पिरेशन लिया है एम एक्स प्लेयर से। तो गाइज, आप लोगों के लिए एम एक्स प्लेयर और बाकी अदर ओ टी टी प्लेटफॉर्म में जितने भी फीचर्स होते हैं सारे फीचर्स आप लोगों के लिए इसमें मिल जाएंगे। तो गाइज़, इस ऐप को बनाने के लिए आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट कोडिंग इस ऐप को बना पाएंगे। अगर आप कोडिंग में जीरो हैं फिर भी आप इस ऐप को काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। आप लोगों के लिए सिंपली इस वीडियो को देखना है लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए। और अगर आप चाहते हैं इस ऐप को हमारी टीम से बनवाना, तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर चैट कर सकते हैं हमारी टीम से। और गाइज, अगर आप चाहते हैं इस ऐप के अंदर कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करवाना, जैसे कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको ऐड कराना है या डिलीट कराना है, तो वो भी सर्विस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं इसके बारे में और अपनी रिक्वायरमेंट उनको सेंड कर सकते हैं, और हमारी टीम आप लोगों के लिए कंप्लीट ऐप बना करके प्रोवाइड करा देगी। और अगर गाइज़ आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना, तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज के लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर हर किसी के मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। तो गाइज़, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू, और मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज़, इस ऐप को बनाने के लिए हमें चाहिए एक सोर्स कोड फाइल, डोमेन एंड होस्टिंग। तो गाइज़, आप डोमेन और होस्टिंग के लिए आप जहाँ से भी चाहें बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर को, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, क्योंकि हम लोग विदाउट कोडिंग इस ऐप को बनाने वाले हैं, कोई भी इसमें कोडिंग यूज नहीं करेंगे। और इसमें हम पहले से किया हुआ कोड यानी कि एक सोर्स कोड फाइल को यूज करके उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे और अपना एंड्रॉयड ऐप तैयार करेंगे बिल्कुल नेटफ्लिक्स और एम एक्स प्लेयर जैसा। तो गाइज, ये कोड फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अभी कॉर्नर में एक वेबसाइट दिख रही होगी techspr.in, तो आप लोगों को जाना है अपने ब्राउज़र में और उसमें जा कर के आपको सर्च करना है techspr.in। तो गाइस, जैसे techspr.in आप सर्च करेंगे तो आप लोगों के लिए सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी techspr.in। चाहें तो आप डायरेक्ट techspr.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर गूगल सर्च करने के बाद जा सकते हैं, तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। एक बार वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए techspr.in, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो गाइज, ये होम पेज है techspr.in का, इस तरीके का कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर समर सेल चल रही है, जिसमें कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा कुछ प्रोडक्ट पे। तो गाइज, जल्दी से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आई डोंट नो कि ये कब तक ऑफर आप लोगों के लिए रहेगा। तो जब भी अगर आपको ऑफर मिल रहा है ये, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। और गाइज, इसको हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल जाते हैं जिस भी कैटेगरी के आपको ऐप बनाने हैं और या फिर वेबसाइट बनानी है, तो वो यहाँ पर पहले से कोड किए हुए हैं, वो फाइल आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो हमें एंड्रॉयड का चाहिए तो हम एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट दिख जाएंगे, और यहाँ पर अभी दो प्रोडक्ट हैं बिकॉज इसमें अभी काम चल रहा है, लगातार हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है। तो जब भी आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद अगर देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट मिले देखने को, और आप उन प्रोडक्ट में से किसी को भी चूज कर सकते हैं और अपना ऐप बना सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर दो हैं, तो सिर्फ मैं अभी इसको यहाँ पर डाउनलोड करने वाला हूँ, क्योंकि हम एम प्लेयर बनाने वाले हैं यानी एम एक्स प्लेयर और नेटफ्लिक्स जैसा कुछ ऐप। तो ये वाला ऐप है, इसको हमें डाउनलोड करना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स ओपन होके आ जाएंगी, और आप एक एक करके उन डिटेल्स को एक बार देख लीजिए। तो गाइज, हमारे सामने ये प्रोडक्ट पेज ओपन होके आ चुका है, और यहाँ पर सारी डिटेल्स इसकी दी हुई हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 6,000 रुपये का था, लेकिन अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए आपको 3,000 रुपये मिल रहा है यानी कि 2,999 में। और अभी यहाँ पर आप इसको लेआउट इसका देख सकते हैं कि किस तरीके की स्प्लैश स्क्रीन होगी, किस तरीके का होम पेज इसका होगा, तो एक एक करके आप इसको देख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको फुल डिटेल नीचे मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा लेआउट यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरीके का लेआउट है, कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस तरीके की दिखेंगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए एक बार और पूरी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से।
तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको एक नीचे डेमो ऐप मिलेगा, यानी इसी का डेमो एप्लीकेशन है। आप अगर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं एक बार कि किस तरीके का ऐप दिखेगा, जिसमें आपके कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और आपका ऐप बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है जो डेमो ऐप होगा। और इसके फीचर्स नीचे दिए हुए हैं, अगर आप इनको एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे डेमो ऐप को, तो उसमें भी आप लोगों को दिख जाएंगे सारे फीचर्स, तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे इसके डिटेल्स के बारे में बात। अब हम इसको यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो चेकआउट करने के लिए आपको जाना है ऐड टू बास्केट। तो जैसे आप ऐड टू बास्केट पे क्लिक करेंगे, ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो गाइज़ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्पलेयर हमारा कार्ट में ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ से व्यू बास्केट करके भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप इस पे जा करके यहाँ पर भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं, या फिर व्यू बास्केट कर सकते हैं। तो मैं एक बार व्यू बास्केट पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको नंबरिंग भी दिख जाती है कि एक प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। और ये यहाँ पर हमारा कार्ट पेज है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक प्रोडक्ट है, मतलब एक क्वांटिटी है इसकी और इतने प्राइस है। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कूपन का। तो अभी इस वीडियो में आपको एक कूपन दिखाई दे रहा होगा टैग SPR10, तो आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये कब तक वर्क करेगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है जब आप वीडियो देख रहे हों तब तक ये एक्सपायर हो चुका हो, और अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी इसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एक दो दिन में ये एक्सपायर हो जाए तो आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको चेकआउट कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर कूपन कोड डाल दिया है, और उसको यहाँ पर मैंने अप्लाई कूपन पे क्लिक किया, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट हमको मिल जाएगा, और ये यहाँ पर हमारे 300 रुपये कम हो चुके हैं। तो ये 2,999 का है, 300 रुपये उसमें से कम हो चुके हैं, और ये 2,699 का हमें पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर शिपिंग प्रोसेस है, इसमें दो तरीके की शिपिंग रखी हुई है, एक है विदाउट सेटअप, एक है विद सेटअप। विदाउट सेटअप यानी कि आपको सिर्फ कोड फाइल चाहिए, और आप इस वीडियो को हमारे को देख करके आप खुद से अपने जो भी चेंजमेंट करने हैं आप खुद से करेंगे और अपना ऐप बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन है इसमें विद सेटअप। विद सेटअप में क्या है कि गाइज आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर पेमेंट करना है, यानी इसको परचेज करना है, और आपको 2 या 3 दिन के अंदर हमारी डेवलपर टीम ऐप बना करके फुल तरीके से ऐप क्रिएट करके आपको दे देगी। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपका जो भी वर्क है ऐप बनाने की प्रक्रिया पूरा हमारी टीम करेगी, और आपको एक ऐप हैंडओवर किया जाएगा। तो आप चाहें तो विद सेटअप चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो विदाउट सेटअप चूज कर सकते हैं, और ये दोनों फैसिलिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोग विदाउट सेटअप यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो विद सेटअप कर सकते हैं, अगर आपके पास में पीसी नहीं है, या फिर कोई अलग प्रॉब्लम है, जैसे आप नहीं कर पाते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग विद सेटअप क्लिक करके यहाँ पर परचेज करिए, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए कंप्लीट ऐप हैंडओवर कराएगी। और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, और ये यहाँ पर हमसे बोलेगा लॉगिन या रजिस्टर्ड के लिए, क्योंकि अगर आपने लॉगिन या रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर्ड के लिए बोलेगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप पे सिंपल क्लिक करिए, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, बहुत छोटी सी डिटेल्स, उनको फिल करिए और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करिए, और उसके बाद में आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है, सिंपल अपनी डिटेल्स को भर के आईडी पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अकाउंट पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा अपनी डिटेल्स भरने के बाद, और ये सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है। अब हमें प्रीवियस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमें हमारे चेकआउट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है, और अब आपको यहाँ पर सिंपल सी डिटेल्स को फिल करने के बाद में जो भी डिटेल्स हैं आपकी, नेम, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल, इनको फिल कर दीजिए एक बार, और उसके बाद में आपको यहाँ पर भी शिपिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका मूड चेंज होता है तो आप यहाँ पर विद सेटअप भी चूज कर सकते हैं, और आप इसको स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, आपको यहाँ पर मिलेगा प्लेस ऑर्डर का बटन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर ये पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और वहाँ पर जाकर के आपको सिर्फ पेमेंट करना है।
तो ये यहाँ पर आपको 2699 का जो प्राइस है वो पे करना है, और 99 रुपये इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह जीएसटी वीएसटी सब कुछ लगा करके वो आपके 99 रुपये बने, और ये टोटल आपको यहाँ पर पे करने हैं 2798 रुपये। आप चाहें तो यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं किसी भी यूपीआई ऐप से, और आप चाहें तो यहाँ पर एंटर यूपीआई आईडी यानी कि भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनसे भी पे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में ऑलमोस्ट सभी बैंक हैं, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई वॉलेट है जैसे कि मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, जियो मनी, ओला मनी, तो इनसे भी आप पे कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप इसको यहाँ पे पेमेंट को डन कर देते हैं, उसके बाद में आपको डाउनलोड के लिए एक फाइल मिलेगी, सिंपल आपको वो डाउनलोड कर लेनी है, और उसके आगे का प्रोसीजर अब हम देखने वाले हैं। गाइज मैं अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास पहले से ही फाइल है, तो हम उसका यूज करके आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अभी गाइज इसको तो कर देते हैं कट, क्योंकि अब हमारा ये काम तो हो चुका है, हमने कोड कर लिया है डाउनलोड। तो गाइज कोड आपको जिप फाइल में मिलेगा, उसको आपको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो जैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फाइल मिलेगी, तो आप इसको एक बार ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 फोल्डर, जिसमें एक एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर हमारे पूरे एंड्रॉयड ऐप का कोड है, जिसको हम कस्टमाइज करके अपना एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। और यहाँ पर एक डेटाबेस मिलेगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने एडमिन पैनल का सेटअप करने के लिए, क्योंकि हम अपने एंड्रॉयड ऐप को अपने एडमिन पैनल से ही कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक डेमो एपीके मिल जाता है, तो आप चाहें तो उसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं, और या फिर आपको वेबसाइट पे भी दिया जा चुका है, वहाँ से भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एक फोल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अगर इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग डायरेक्ट ही आ सकते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन से भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक मिल जाता है एम्प्लेयर एडमिन, जो कि एडमिन पैनल है हमारा, इसी से हम अपने एंड्रॉयड ऐप को कंट्रोल करने वाले हैं। तो भाई चलिए अब हम अपने एंड्रॉयड ऐप को बनाना शुरू करते हैं, और आप लोगों को अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो मैं एक बार अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इधर इसकी प्रोसेसिंग होने देते हैं और हम अपने एडमिन पैनल का सेटअप कर लेते हैं पहले। तो गाइज अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी हॉस्टिंग को लॉगिन करना है, जहाँ पर भी आपने अपनी हॉस्टिंग बाय की है आप उसको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। मैं अपनी हॉस्टिंग को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, और ये हमारी हॉस्टिंग का डैशबोर्ड है, और आपको यहाँ पर अपने जो भी हो अपने फाइल्स में जाना है, बेसिकली यहाँ पर हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स होती हैं यानी कि अपने फाइल मैनेजर में। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ये अपने डैशबोर्ड के होम पेज पे पहुँच जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे इसे स्क्रॉल करना है। अगर आप हॉस्टिंगर की हॉस्टिंग को यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरी तरह ही सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, और अगर आप किसी दूसरी हॉस्टिंग को यूज कर रहे हैं तो आप लोग उनके जो भी फंक्शन हैं उनको यूज करिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फाइल मैनेजर, तो आपको फाइल मैनेजर हर हॉस्टिंग में मिलेगा, चाहे कोई सी भी हॉस्टिंग हो, तो आपको फाइल मैनेजर तक पहुँचना है कैसे भी करके। और अगर आप हॉस्टिंगर की यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इसी वीडियो को फॉलो करिए, और ये यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फाइल्स, आपको जाना है फाइल मैनेजर में। तो जैसे मैं फाइल मैनेजर पर क्लिक करूँगा, ये मुझे न्यू पेज पे मेरी सारी फाइल्स को जो भी मेरी वेबसाइट पे हैं उनको शो कर देगा। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसी फाइल्स दिख जाएंगी, कुछ फोल्डर्स दिख जाएंगे, तो आप लोगों को आ जाना है पब्लिक _HTML, क्योंकि इसी के अंदर हमारा सारा डेटा होता है, हमारी वेबसाइट पे जो भी है सब कुछ हमको शो करना होता है, यानी हमारा एडमिन पैनल भी यहीं पर होगा। तो आपको पब्लिक _HTML पे आ जाना है, और उसमें आपको कुछ डेमो फाइल्स दिखेंगी, आप उन फाइल्स को पड़े रहने दीजिए, उनसे छेड़खानी ना करिए, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को हमारा यहाँ पर एडमिन पैनल अपलोड करना है, तो वो कैसे अपलोड करेंगे, आपको आ जाना है यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, हर किसी होस्टिंग में होता है, तो आपको बस उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फाइल को चूज करना है। तो जो भी फाइल आपकी जहाँ पर भी है उस फाइल की लोकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर हमारी फाइल है एम प्लेयर एडमिन नाम से। तो गाइज पहले तो आप इसको जिप फाइल बना लीजिए, क्योंकि हमें जिप फाइल की ही ज़रूरत पड़ती है,
तो ये सिर्फ एक फोल्डर है, तो फोल्डर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, आपको जिप फाइल यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप इसको जिप फाइल बना लीजिए इंटरनेट से, या फिर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो उससे, और या फिर आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे, विंडोज़ का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है सेंड टू पर, और यहाँ पर आपको कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर पे क्लिक कर देना है, तो ये जिप फाइल यहाँ पर बन जाएगी। तो गाइज अभी मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने पहले ही यहाँ पर अपलोड कर लिया है, और आपको यहाँ पर दिख जाएगा एम प्लेयर एडमिन डॉट जिप फाइल, और इसको आपको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट आपको कैसे करना है, आपको सिंपल इस पे जाके राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट का भी ऑप्शन दिखेगा, हर किसी होस्टिंग में होता है, कोई भी होस्टिंग हो, तो आप लोगों को इसको जा करके क्लिक कर देना और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट फोल्डर है, आपको कुछ ऐसा फोल्डर दिख जाएगा, तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर हमारे एडमिन पैनल की सारी फाइल्स हैं, यानी कि यही हमारा एडमिन पैनल है। तो गाइज अब आपको करना क्या है, आपको सारे फाइल्स को जो भी हमारे एम प्लेयर फोल्डर के अंदर हैं, उन सारी फाइल्स को यहाँ पर कर लीजिए सेलेक्ट एक बार, और उस पे मूव पे क्लिक कर दीजिए। मूव का भी आपको बटन मिल जाता है हर किसी होस्टिंग में, तो आपको यहाँ पर पाथ सेलेक्ट कर लेना है पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल, तो पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट दिस कर दीजिए, और यहाँ पर आपको मूव पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल जैसे ही आप मूव पे क्लिक कर देंगे, ये फोल्डर यहाँ से खाली हो जाएगा, और हमारी सारी फाइल्स कहाँ पर आ चुकी हैं, पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल। गाइज आप ये काम ना करके आप सिंपली एम प्लेयर के फोल्डर के अंदर भी सारी फाइल्स रहने दे सकते हैं, बट उसका यू आर एल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि यू आर एल ज़्यादा लंबा हो, स्मॉल यू आर एल रखने के लिए हमने ये काम किया है। तो गाइज ये काम तो हमारा हो चुका है, अब हमारा जो एम प्लेयर एडमिन वाला फोल्डर है खाली है बिल्कुल, हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फाइल्स नहीं है, या आप पड़े रहने दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, बट हम फिर भी इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये हमें आगे फाइल्स में कन्फ्यूजन पैदा ना करे। तो गाइज आप लोगों को अब आ जाना है ऐप, जो फोल्डर आपको दिख रहा होगा ऐप नाम से, उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसके अंदर आपको कॉन्फिग का एक फोल्डर मिलेगा, कॉन्फिग पे क्लिक कर देना है, उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी पैरामीटर्स डॉट बाई एम एल, इस पे आपको क्लिक कर देना है डबल क्लिक, यानी इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपके सामने ये फाइल ओपन होके आ जाएगी, जिसमें हमें अपने डेटाबेस को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो गाइस अब डेटाबेस हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको आ जाना है अपनी होस्टिंग के डैशबोर्ड में, तो जैसे आप अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड में आएंगे, आप इसको स्क्रॉल करिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटाबेसेस, तो यहाँ डेटाबेसेस का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसमें आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप होस्टिंगर के होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करिए, और आपको यहाँ पर आ जाना है माई एस क्यू एल डेटाबेस पे, इस पर क्लिक कर देना है आपको, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, और आपको यहाँ पर जिसकी डिटेल्स को फिल कर देना है, एक तो डेटाबेस का नेम देना है आपको, और यहाँ पर एक यूजर देना है डेटाबेस का, और यहाँ पर आपको देना है पासवर्ड, तो आप पासवर्ड जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ जनरेट कर लेता हूँ, ये जनरेट आ रहा है पासवर्ड जनरेटर, आप इसको जनरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आगे हमें जाकर के इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, और मैं इस पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ पर हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, आप इसको स्क्रॉल करिए आपको नीचे डेटाबेस दिख जाएगा, ये है कुछ डिटेल्स हैं जो हमें अपने एडमिन पैनल के साथ कॉन्फ़िगर करनी है। तो एक बार हम एडमिन पैनल पे चलते हैं अपने, और ये हमारा एडमिन पैनल की वो जो फाइल है जो हमने यहाँ पर ओपन की थी पैरामीटर्स डॉट बाई एम एल, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स चेंज करनी है डेटाबेस की, यानी आपको डेटाबेस का नेम, डेटाबेस यूजर और डेटाबेस पासवर्ड यहाँ पर चेंज करने हैं, और यहाँ पर होस्ट भी चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर होस्ट को चेंज कर देते हैं, आप इसको रहने देंगे तब भी कोई आई थिंक प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये भी एक लोकल होस्ट होता है, और हम यहाँ पर लोकल होस्ट ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पर आपको मिल जाता है माई एस क्यू एल होस्ट, तो आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, और ये हमने कॉपी किया, और इसको यहाँ पर डबल कोट के अंदर पेस्ट कर देना है, तो हमने डबल कोट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर डेटाबेस नेम देना है, तो डेटाबेस नेम आपको यहाँ पर मिलेगा, ये डेटाबेस नेम है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है,
ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर चाहिए डेटाबेस यूजर, तो डेटाबेस यूजर ये है हमारा, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और अब हमें चाहिए पासवर्ड, तो पासवर्ड ये रहा हमारा जिसको हमने जनरेट किया था। आप कोई ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको याद रहे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर हमें पासवर्ड दे देना है, और ये हमने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। उसके बाद में आपको सिंपल सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद में आपको फिर से जाना है पब्लिक अंडर स्कोर HTML के अंदर, उसमें आपको एक मिलेगा बैर फोल्डर, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर आपको कैचे मिलेगा, और कैचे के अंदर आपको मिलेगा प्रोड फोल्डर, इसको हमें करना है डिलीट। इसको आपको सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको फिर से पब्लिक अंडर स्कोर HTML के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स दिख जाएंगी। यानी कि अब हमारा जो एडमिन पैनल का काम है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें अपने डेटाबेस को और ऐड करना है, तो आपको आ जाना है यहाँ पर फिर से अपने डेटाबेस में, जहाँ पर आपने डेटाबेस बनाया था। आपको क्लिक करना है एंटर PHP माई एडमिन। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने MySQL डेटाबेस ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पर हमें अपने डेटाबेस की फाइल को अपलोड करना है, जो फाइल आपको मिलेगी जिप फोल्डर के अंदर। तो ये आपके सामने MySQL डेटाबेस ओपन होके आ चुका है। आपको सिंपल क्लिक करना है इंपोर्ट पर। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चूज फाइल, आपको इस पे क्लिक करना है। जो आपने कोड फाइल डाउनलोड की थी उसके अंदर एक फोल्डर मिला था डेटाबेस का, तो आपको बेसिकली वहीं पे जाना है। और ये फोल्डर है वो डेटाबेस नाम का, इसके अंदर डेटाबेस की एक फाइल है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और सिंपल ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में आपको गो का बटन मिलेगा, आपको गो बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमारा डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस इंपोर्ट हो चुका है। और अब आपको आ जाना है न्यू टैब में। न्यू टैब के अंदर आप आकर अपनी डोमेन को यहाँ पर टाइप करना है, तो एक बार आप URL को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी डोमेन को टाइप किया, उसके बाद में आपको लगाना है स्लैश, स्लैश के बाद में आपको यहाँ पर पब्लिक पब्लिक अंडर स्कोर HTML फिर स्लैश लगाना है, उसके बाद में आपको एडमिन लिखना है। तो जैसे ही आप ये URL ध्यान रखिए, यही आप लोगों को लिखना है, क्योंकि कुछ और URL आप लिखेंगे, शायद हो सकता है कि आपका एडमिन पैनल ओपन ना हो। तो ये हमारे सामने हमारे एडमिन पैनल का लॉगिन पेज आ चुका है। यहाँ पर हमें अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करना है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है एडमिन, और 123456 इसका पासवर्ड है, 123456, तो इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारा जो एडमिन पैनल है उसका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, और वहाँ से हम अपने ऐप को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सारे ऑप्शन हम एक एक करके बात करेंगे आगे वीडियो में। तो अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि हमारा जो एडमिन पैनल है सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, और इसका सेटअप कंप्लीट होता है। अब हमें सेटअप करना है अपने एंड्रॉयड ऐप का, तो आप लोग चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर अभी पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक मिल जाता है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एक मिल जाता है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट हमको किसी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कोड पहले से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर करेंगे ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करके जहाँ भी आपने अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है वो उस फोल्डर में आपको आ जाना है, और ये आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका फोल्डर एम प्लेयर ऐप मूवीज, ये वाला फोल्डर, और उसके अंदर आपको एप्लीकेशन वाला जो फोल्डर था उसको यहाँ पर चूज कर लेना है, पर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ग्रेडल बिल्ड होने लगेगा, और यहाँ पर सारी फाइल्स को ये इम्पोर्ट करके यहाँ पर ओपन कर देगा आपके सामने। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, और आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपके PC
पीसी से जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि ये कुछ फाइल्स को नेट से इंपोर्ट करता है। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा या फिर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये आपको एरर शो करेगा। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो गाइज यहाँ पर कुछ चेंजेस हम लोगों को करने होंगे, तो वो चेंजेस क्या क्या हैं वो एक एक करके हम चेंजेस देखेंगे और उनको करेंगे। सबसे पहले तो गाइज हम एक बार इसको अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके का आप लोगों को कैसे रन होता है, क्या प्रोसेसिंग रन होने की और किस तरीके का ये अभी दिखाई दे रहा है। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर रन पे सिंपल क्लिक कर देना है, बट उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर मेक श्योर कि आपके यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस या फिर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो का इमुलेटर यहाँ पर रन होना चाहिए, यानी कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास शाओमी की एक एंड्रॉयड डिवाइस है, मैंने वो यहाँ पर कनेक्ट की हुई है। और आप लोग भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करें फिजिकली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आप लोगों के लिए यही रिकमेंड करूँगा। आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर एक पॉपअप दिखाई देगा, आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये ऐप आपकी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और लॉन्च भी हो जाएगा। अगर लॉन्च नहीं हो पाता है तो आप आइकन पे क्लिक करके भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा ऐप यहाँ पे रन हो चुका है और ये स्प्लैश स्क्रीन है हमारे ऐप की, जो कि 2-3 सेकंड के लिए टिकेगी अगर आपका इंटरनेट सही है तो। और उसके बाद में ये वेलकम मैसेज आ जाता है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको आगे कर सकते हैं। और उसके बाद में डन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमारे सामने होम पेज हमारे ऐप का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लुक बिल्कुल MX प्लेयर जैसा हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, और क्योंकि हमने इंस्पिरेशन ही MX प्लेयर से लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सारी फंक्शनैलिटी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है सबसे मैच करती हैं, जिसमें मूवी, वेब सीरीज और TV चैनल्स। तो गाइज इसका लुक आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आप एक बार इसको डेमो में भी देख चुके हैं क्योंकि हमने शुरुआत में ही आप लोगों को डेमो दिखा दिया था, तो ये वही ऐप है। तो गाइज हमने इस वीडियो में अपने एडमिन पैनल का सेटअप कंप्लीट कर लिया, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो का भी सेटअप कर लिया है, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करके देख लिया। तो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप का कस्टमाइजेशन, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, और अपने एंड्रॉयड ऐप को अपने एडमिन पैनल से कनेक्ट और इसमें डेटा को इंपोर्ट करके भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं और कैसे आप लोग अपने एडमिन पैनल को कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो आप इसमें देख रहे हैं ये, क्योंकि हमारा एडमिन पैनल इससे कनेक्टेड है, तो इसलिए ये हमारे एडमिन पैनल पे जो डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जब आपके एडमिन पैनल से कनेक्ट होगा तब आपके एडमिन पैनल का डेटा शो करेगा। तो गाइस बाकी का काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। जो भी आपको इसमें अगर कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और गाइज अगर आप हम लोगों से बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप लोग हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर हम लोग अपनी जितनी भी डील्स आती हैं, कोई उसमें कूपन्स वगैरह आते हैं, तो वो सारे उसमें हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो एक बार आप उसको जा करके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए आगे जो भी डील्स आती हैं उनका फ़ायदा मिल सके। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को बेस्ट अपडेट मिलेंगे और वहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।